एक तवील अरसे से मुगलों ने एक एजुकेशन सिस्टम रखा था ना, जिसकी वजह से 1912 तक 1911 का जो सेंसस है वो कहता ये है कि यहाँ की जो लिटरेसी रेट था ये 95-96% था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उन्हें नॉन फॉर्मल एजुकेशन दिया, हर गांव के अंदर एक हिंदू तारीख था और एक मुसलमान था। हिंदू तारीख का ये काम होता था कि वो वेद पढ़ाए, थोड़ी सी फारसी पढ़ाए और हिसाब सिखा दे ताकि एक आदमी जो है वो पढ़ लिख जाए और अपने आप को काम में लगा सके। दूसरा मुसलमान तारीख था, कुरान पढ़ाता था, फारसी पढ़ाता था और उसके साथ साथ हिसाब। यही वजह थी कि लिटरेसी का डेफिनेशन तो वही चीज आज भी है, लेकिन बड़े शरीर में एक लिटरेसी रेट था, लोग किताब पढ़ लेते थे, लोग हिसाब कर लेते थे, ये सारा कुछ कर लेते थे। जब आप किताब पढ़ना आ जाती है आपको, फिर आपका एक रब्ता बन जाता है किताब से। क्योंकि इल्म जो है वो डिग्री नहीं है, इल्म बेसिकली डिग्री से बाला तक चीज होती है, बहुत लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं लेकिन आदत नहीं होती। अंग्रेज ने इसको फॉर्मल एजुकेशन में जब डाला है तो वही होता है, जब तक आप घर में हर चीज़ छोड़ छाड़ के सब कुछ कर खा के आप मदरसे में नहीं जाएंगे, जब तक आप एक पूरे के पूरे उस एक्टिविटी से दूर होके वहाँ नहीं पहुँचेंगे, उस तक आप नहीं कर सकते। यही वजह है कि बरसगीर पाक हिंद में जब अंग्रेज छोड़ के गया तो 14% छोड़ गया। वो तारीख मस्जिद में बैठ के भी कर लेता था, वो मंदिर में भी बैठ के कर लेता था, वो दारे में भी बैठ के कर लेता था, वो लोगों के कन्वीनियंट के हिसाब से करता था। अब मामला असल मसला यह है कि इस वक्त लिटरेसी का मसला गांव का ज्यादा है, गांव के पास लोगों का टाइम भी होता है, सब कुछ भी होता है, लेकिन तो बाकी दूसरी एक्टिविटी को चार करके देते हैं। इधर शहरों के अंदर जो लिटरेसी का मामला है वो ये है कि गांव शहरों के अंदर हमारी प्रेसिंग इकोनॉमिक डिमांड जिस किस्म की होती है कि हम बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते, हम उनको काम सिखाते हैं। ये उसकी एक वजह यह है, आपके मैट्रिक करने के बाद, आपके एस ए करने के बाद, आपके बी ए करने के बाद, आपने स्कूल एजुकेशन को डिज़ाइन ही इस तरह का नहीं किया तो वो आपको जॉब दे सके। ठीक, अगर तो आपने राइट फ्रॉम आठवीं आपने इसको कोई टेक्निकल साथ चीज़ें सिखाई, मतलब एक आदमी को रुझान नहीं है मजीद पढ़ने का, वो वर्कशॉप मैकेनिक्स बनना चाहता है, तो आपका आठवीं के बाद आपके यहाँ एक कोर्स होना चाहिए, पाँचवीं के बाद ऐसा छठी के बाद ऐसा होना चाहिए वो थोड़ा बहुत अंग्रेजी या उर्दू पढ़ ले, या कुरान अगर पढ़ाना चाहे जो कि पढ़ाना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसके सारे कोर्सेज जो हैं वो मोटर मैकेनिक वाले, ठीक, और उसके साथ साथ वो मोटर मैकेनिक सीख सकते, क्योंकि दुनिया पूरी में ये छोटे छोटे स्कूल जो हैं, हेयर ड्रेसिंग के स्कूल खुले हुए हैं, ये मैकेनिक के स्कूल खुले हुए हैं, और हमारे यहाँ वो स्कूल इनफॉर्मली खुले हुए हैं। उसमें होता क्या है कि वो इनफॉर्मल स्कूल जो हमारे यहाँ खुले हुए हैं उसमें वो मैकेनिक तो बेहतरीन बन जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसने टेस्ट के हिसाब से एजुकेशन करनी होती है वो नहीं करता, ठीक, ये मेरे ये मिसिंग है। तो बुनियादी तौर पर ये मोटर मैकेनिक, ये जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है, ये गोरे ने बनाया था क्रर करने के लिए, हमने उसको इफेक्टिव नहीं बनाया। मैट्रिक करने के बाद भी हमें आप एजुकेशन का सिस्टम जो है रिवाइज कर लें, कुछ कर लें, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर लें, जब तक आप एक कंड्यूसिव एटमोसफियर नहीं पैदा करते जिसमें आप लोगों को पुश कर सकें, करें क्या फायदा, पांचवी क्लास पढ़ के बड़ा बेटा आ जाएगा, पाँच साल में जाया करेगा, आठ दस साल जाएगा तो काम सीखेगा। अब मैट्रिक के बाद भी उसने आके कन्वर्ट भी नहीं करना, उसके लिए भी उसने टाइपिंग सीखनी है मैट्रिक के बाद, तो क्या फायदा। तो हमने बेसिकली अकॉर्डिंग टू आर नीड्स जो है हमने वो बनाई की हुई नहीं है एजुकेशन, दुनिया पूरी ने इसको रिवाया, देखिए दुनिया पूरी में जितने जितने परसेंटेज हमारे मुल्क में एमए की होती है दुनिया में कहीं नहीं होती, जाते ही मैट्रिक करते हैं, ओ लेवल करते हैं, उसके बाद अपने प्रोफेशनल एजुकेशन में जिसने इलेक्ट्रिशियन बनना होता है इलेक्ट्रिशियन का काम सीखता है, जिसमें तो अपना वो बनाकर अपना अपना हेयर ड्रेसर बनाते वो सीखता है, जिसमें मोटर मैकेनिक बनाते जिसने कोई और चीज़ करनी है वो सीखता है। ठीक, हमने भी हमने डिग्री को एजुकेशन समझ लिया हुआ है और डिग्री लेके लोग घूमते फिरते हैं और उसके हिसाब से उसे इसलिए गोरे ने, आप देखें कि गोरे के जमाने में टेक्निकल एजुकेशन के कुछ स्कूल ही नहीं होते थे, और
और इसी तरह उन्होंने जो सवाल है वो नई एजुकेशन रखी हुई थी जो तो उनकी पुरानी ट्रेडिशन होती थी कि आप हिस्टोरियन बन रहे हैं और आप पोलिटिकल साइंटिस्ट बन रहे हैं और आप वही सब्जेक्ट से जिनका अगर कोई बैकग्राउंड या तो वो चाहते थे कि क्लर्क रहे एम ए करके बंदे क्लर्क भर्ती होते थे और जो पास कर जाता था वो सिविल सर्विस कर जाता ये दो कैटेगरी तीसरा बीच में लेक्चरर होते लेक्चरर भी गवर्नमेंट कॉलेज के होते थे सब प्राइवेट कॉलेज से जितने भी थे प्राइवेट कॉलेज और जब से गवर्नमेंट कॉलेज बने हैं उस वक्त से हमारी एजुकेशन का प्रॉब्लम सब गवर्नमेंट कॉलेज से उठ के गवर्नमेंट कॉलेज है अजमेरी कॉलेज है एससी कॉलेज है उसके बाद राजस्थान कॉलेज है फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज का ऑफर होता था उसके अलावा कॉलेज को नहीं होता था ऑल कॉलेज प्राइवेट स्कूल होते थे जो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज होते थे लोगों ने नो प्रॉफिट में लॉस के बिना आता हमारे कोई बात नहीं थे बहुत जगह पर थे खुद उस हिसाब से करते हमने पहले एजुकेशन को गवर्नमेंट किया ठीक है उसके बाद गवर्नमेंट करने के बाद उसको उसको उसका हमने वहाँ से सत्यानाश किया उसके बाद हमने सेकंड उसका एजुकेशन के लिए किया कि हमने उसको प्रोफेशनल बना दिया बिजनेस बना अब जो अफोर्डेबल लोगों के लिए एजुकेशन रह गई है और या फिर गवर्नमेंट के लिए होता है कि वो एक माफिया होने के लिए टीचर का भी वो सारे के सारे यूनियन के तौर पर भी एक्सपर्ट सर ये जो एजुकेशन डिराइव की अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से जो ली है उस पर थोड़ी सी बात और जो उर्दू को उर्दू के ऊपर हेलो देखिए पहली बात तो ये थी कि 1871 तक मुसलमानों की जो एजुकेशन थी वो यूनिफाइड थी ना कोई दीनी मदरसा होता था ना कोई मॉडर्न स्कूल होता था सारे के सारे एक साथ एक ही मदरसा होता था उसी के अंदर आप दीन पढ़ते थे उसी के अंदर आप दुनिया के तमाम तालीम हासिल करते थे और ये वो लोग थे कि जो किंग सर्विस के लिए जाते थे जो वो सिलेक्टेड फॉर द किंग सर्विस जो मदरसा रहनिया और फंडी मान दो मदरसे थे जिनके स्कूल से थे जो स्टोरी लिखते हैं कि ठट्ठा जैसे शहर के अंदर 400 कॉलेज थे ठट्ठा जैसे शहर के अंदर खुश होते तो उनके अंदर ये तमाम तर अलूम शर्त और उलूमुल गर्ब पढ़ाते थे जो कहते हैं अलूम शर्त जिसमें एस्ट्रोनॉमी थी एस्ट्रोलॉजी थी उसके बाद फलकियात थी जोग्राफी थी जोग्राफी शुरू मुसलमानों ने की हिस्ट्री में मुसलमानों ने शुरू की एस्ट्रोनॉमी तिब भी मुसलमानों से आगे शुरू हुई तो 1791 में वॉरन हेस्टिंग ने एक दीनी मदरसा को पता चल सकते और उसमें सिर्फ दीनी तालीम का वो बनाना शुरू की इसके मुकाबले में अंग्रेज मिशनरी स्कूल जो थे वो खोले गए और वो मिशनरी स्कूल जो थे वो मुसलमानों के पैटर्न में थोड़ी सी बाइबल क्रिश्चियन एथिक और बाकी क्या पढ़ाना था उसमें वो जो जिनको वो कहते हैं आपके अपने दीन के आम मॉडर्न तालीम जैसे आपकी क्रिएट है ये मुसलमानों का कदर तालीम था कि दीनी तालीम भी पढ़ाओ और ये भी साथ साथ क्रिश्चियन एथिक भी पढ़ाओ और साथ साथ ये अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हुआ ये कि मुसलमानों के स्कूल सारे बंद कर दिए 1757 से लेके 1781 तक तमाम मुसलमानों के नजर से बंद फिर 1901 के अंदर क्रिश्चियन मदरसे हुए उसके बाद हुआ यह कि वहाँ पर हुआ यह कि कन्वर्जन शुरू हुआ इसके ऊपर बड़ी बड़ी बहसें शुरू हुई तो मुसलमानों ने अपना एक देवबंद मदरसा खोला और अलीगढ़ मदरसा खोला उन्होंने अपना उसमें खान दोनों जो थे उन्होंने कहा एक ने कहा हमें दीन बचाना है दूसरे ने कहा हम दुनिया में आगे बढ़ना शेख महमूद हसन थे देवबंद के उनके और शख्सियत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ कि जो बंदा देवबंद से पढ़ के निकलेगा और उसके बाद दो साल अलीगढ़ में नहीं पढ़ेगा उसको उस्ताद हसन बनेगा और जो अलीगढ़ से पढ़ेगा वो अगर देवबंद में आएगा नहीं आएगा तो उसको एमए की डिग्री मिलती है ये कई साल तक चलता रहा फिर उसके बाद ये हुआ कि चूंकि अंग्रेज की सावन नहीं चाहता था कि मुसलमान जो थे इस तरह के एजुकेशन प्रोग्राम बना सकते तो उसने इन चीज़ों को भी खत्म किया अब हमारा मामला ये है कि हम किसी तौर पर भी किसी कौम को बनाने वाली एजुकेशन नहीं आ सकती ना अपनी जबान के अंदर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं जिसने किसी दूसरे की जबान में इल्म हासिल किया होता कोई एक कौम क्योंकि आप मैं तौर पर इल्म हासिल कर सकते हैं लेकिन आप तरक्की नहीं कर सकते आप तकनीक नहीं कर सकते आप क्रिएटिव नहीं हो सकते कोई दूसरे की जबान ये वजह है कि आप एक मुनासिब सा आपको इल्म होता है जो आप अंग्रेजी किताब से पढ़ चुके होते हैं उतनी आपको पता होता है इसी वजह से हम बेजुबान से कौम दुनिया भर में बच्चे चार चार लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं एक अंग्रेज बच्चा जो है वो अंग्रेजी पढ़ता है लैटिन पढ़ता है फ्रेंच पढ़ता है जर्मन पढ़ता है एक फ्रांसीसी बच्चा जो है वो
फ्रेंच पढ़ता है, पुलिस पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है और लैटिन पढ़ता है, ये चार चार जबानें पढ़ते हैं। लेकिन पीडीएफ इंस्ट्रक्शन आपका अपना, हम पूरी कॉम को धोखा दे रहे हैं। हम शेक्सपियर भी उर्दू में पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी का जो टीचर होता है वो जब वर्ड्सवर्थ की पोएम पढ़ाता है तो उर्दू में पढ़ा रहा है, बल्कि पंजाबी में कहता है कि वर्ड्सवर्थ क्या करना है, लूसी पोएम मैनेज नहीं होनी है, ठीक है ना, डोरथी वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट को पंजाबी में बता रहा है। हम मीडियम स्ट्रक्चर बना अंग्रेजी है ही नहीं, हमें एक्सप्लेन करने के लिए, हम बताने के लिए हमें मुहावरा पंजाबी इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें दर्द मिस उर्दू इस्तेमाल करनी पड़ती है, हमें दोस्तों उर्दू, हम बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं अपने आपको। और उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये है कि हमारे यहाँ एक मरूबियत है जिसकी वजह से ये कभी भी सिर्फ आर्टिकल 25A में अमेंडमेंट से ना इस मुल्क में एजुकेशन आ सकती है ना इस मुल्क में एजुकेशन कर सकती है। इस मुल्क में बहुत सारे आर्टिकल और पंजाब में 10 साल में उर्दू जबान अपने कर दी है, दफ्तर किसने की, अलग दफ्तर की एक्चुअल उर्दू सारी जबान होती है, किसी दफ्तर के अंदर सरकार के दफ्तर के अंदर कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, किसी सरकार के दफ्तर के अंदर कोई मीटिंग कैबिनेट मीटिंग तक अंग्रेजी उर्दू में होती है, ठीक है, मिनट्स अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, अदालतों में बैसे उर्दू में होती हैं, फैसले अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, ठीक, अदालतों में सारी की सारी जो डिस्कशन है वो उर्दू में होती है और उसके पीएलडी हमारे सारे सारे अंग्रेजी में, हम किसको धोखा रहे, कानून हमारा अंग्रेजी में बहस उर्दू में हो रही होती है, बहस पंजाबी में, पश्तो में, सिंधी में हो रही है, हम किस कौम को धोखा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जब तक आप फंडामेंटल चेंज नहीं करते, फंडामेंटल चेंज आपकी है लैंग्वेज, आप अपना सारा इलम जब तक अपनी जबान में मुंतकिल नहीं करते, अब तो इतना आसान हो गया, गूगल का एक सॉफ्टवेयर चाहिए आप पूरे का पूरा इलम क्या हो, ईरानी ने किया, दुनिया को नहीं किया, सॉफ्टवेयर के उसके उसके अंदर आपको मालूम है सिर्फ उर्दू बाहर जबान है वरना मौजूद है, वो कहते हैं उसको इसलिए उसको ओपन नहीं करते, मौजूद है बिकॉज देयर इज नो लैंग्वेज अथॉरिटी टू ऑथेंटिकेट, वरना फारसी में अरबी में सब जगह ट्रांसलेट, सिर्फ इतने का काम है, काम सारा लोग कर दिया, ये है बेसिक। थैंक यू।